हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। आज हम बात करेंगे कि प्रीमियर प्रो में स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइमलाइन में दो क्लिप इंपोर्ट करनी है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखी हैं दो क्लिप इंपोर्ट। इन क्लिप को आपको ओवरलैप करके रखना है एंड आपको इफेक्ट कंट्रोल में लीनियर वाइप इफेक्ट सर्च करना है। लीनियर वाइब इफेक्ट को आप डायरेक्ट ड्रैग करके अपनी ऊपर वाली वीडियो पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको लीनियर वाइब इफेक्ट दिखेगा। इसमें आपको लीनियर वाइब इफेक्ट में आपको तीन चीज दिखेंगी, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड वाइप एंगल एंड थर्ड फेदर। ट्रांजिशन, अगर मैं ट्रांजिशन एंगल चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो क्रॉप हो रही है एंड सेकंड वाली वीडियो आपको शो होगी, इजीली प्ले कर सकते हो। एंड सेकंड है वाइप एंगल, अभी 90 डिग्री है, फर्स्ट वाली क्लिप है वो बीच में से क्रॉप हो रही है। अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एंगल चेंज हो रहा है। एंड थर्ड है फेदर, फेदर से आप शार्प एजेस को ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैं फेदर इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि शार्प एजेस ब्लेंड हो रही हैं। सेकंड मेथड है क्रॉप इफेक्ट। आपको इफेक्ट्स में क्रॉप इफेक्ट सर्च करना है एंड यहां पे मैंने तीन वीडियो इंपोर्ट कर रखे हैं जो कि ओवरलैप हुई। आपको क्रॉप इफेक्ट फर्स्ट वीडियो पे अप्लाई करना है एंड आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में क्रॉप इफेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, जूम एंड एज फेदर ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं लेफ्ट चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लिप है वो क्रॉप हो रही है लेफ्ट साइड से एंड यहाँ से आप वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे राइट साइड से क्रॉप करना है तो मैं राइट पे जाके राइट की वैल्यू को चेंज करूंगा। एंड देन अब मैं फर्स्ट क्लिप क्रॉप कर चुका हूं, अब मुझे सेकंड क्लिप क्रॉप करनी है तो मैं क्रॉप इफेक्ट सेकंड क्लिप पे अप्लाई करूंगा। सेकंड क्लिप सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको क्रॉप इफेक्ट अप्लाई हुआ दिख जाएगा। अब हमें तीन वीडियोस में स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट करना है तो मैं बॉटम से वैल्यू चेंज करता हूँ। अब मुझे तीन वीडियो के बीच में पार्टीशन क्रिएट करना है तो मुझे लेफ्ट साइड से सेकंड वीडियो को क्रॉप करना होगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जैसे मैंने क्रॉप करी तो थर्ड वीडियो शो हो रही है एंड थर्ड वीडियो पर आपको क्रॉप इफेक्ट अप्लाई करना है। अब एंड देन वैल्यू चेंज करनी है आपको लेफ्ट से एंड टॉप से। वैल्यू चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों वीडियो के बीच में पार्टीशन क्रिएट हो चुका है और वीडियो प्ले हो रही हैं। आपका स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट बन चुका है। इस तरीके से आप मल्टीपल वीडियोस को स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हैं, एक साथ प्ले कर सकते हैं। दो इफेक्ट है, एक लीनियर वाइप एंड क्रॉप। क्रॉप में दो तीन ऑप्शन और हैं, जैसे कि जूम एंड एज फेदर। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लिप सेलेक्ट करी एंड मैं अगर क्रॉप पे जाता हूँ तो आपको एज फेदर मिलेगा। तो जो फर्स्ट वीडियो के एज हैं उस पर आप फेदर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जूम इफेक्ट से जो आपकी फर्स्ट वीडियो है वो जूम होगी, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ब्रॉड दिखेगी। आप एजेस के फेदर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों वीडियोस के आपको क्रॉप इफेक्ट में मिल जाएगा। सो गाइज, ये थे दो सिंपल इफेक्ट्स स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। एंड गाइज, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीमियर एसेंशियल।